अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। मैं इस वक्त राजपूत ट्रेवल्स पे कराची से मुल्तान के लिए ट्रेवल कर रहा हूँ। इस वीडियो का पार्ट वन आपने देख लिया था, उसमें मैंने कोशिश की थी कि इस सर्विस का फैसल मूवर्स और आदिल शाह से कंपैरिजन करूँ। कंपैरिजन करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कराची में राजपूत ट्रेवल पाकिस्तान एक्सप्रेस वालों के साथ कोलैबोरेशन से चल रही है। ताज कम्प्लेक्स से 5:30 बजे निकलते हैं, सोहराब रोड से 6:30 बजे इनका टाइम है। और जो किराया मैंने इनको पे किया वो 3,000 रुपये था, और इस किराए में खाना वगैरह नहीं है, और रिफ़्रेशमेंट में सिर्फ ये कोल्ड ड्रिंक देते हैं और मिनरल वाटर, और इनकी बस में वाईफाई अवेलेबल था। इस वक्त हम मिठियारी के एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं। पार्ट वन मैंने मिठियारी पर ख़त्म किया था, अभी मिठियारी से कुछ आगे हम आए हैं। अब हम आते हैं कंपैरिजन की तरफ। तो फैसल मूवर्स के 2 टाइम मुल्तान के लिए निकलते हैं, और वैसे आप इनकी इस्लामाबाद या लाहौर वाली गाड़ी में भी मुल्तान के लिए ट्रेवल कर सकते हैं। इनकी बिज़नेस क्लास भी है, इकोनॉमी क्लास भी है, और उनका किराया तकरीबन 2500 के अराउंड है इकॉनमी क्लास का, और बिज़नेस क्लास का शायद 3500 रुपये है, मुझे कंफर्म नहीं है। और वो एक टाइम का खाना फ्री देते हैं, और साथ साथ रिफ़्रेशमेंट भी होती है, कोल्ड ड्रिंक भी होती है, और उनका ट्रेवल टाइम तकरीबन 12 घंटे है। और आदिल शाह की बात करें तो आदिल शाह का किराया 2200 रुपये है, और इसके अंदर खाना वगैरह रिफ़्रेशमेंट वगैरह ये लोग नहीं देते, वाईफाई भी नहीं है। और अलबत्ता इनका ट्रेवल टाइम 11 से 11:30, कभी 12 भी लग जाते हैं ट्रैफिक और रश को देखते हुए। और आदिल शाह वाले कराची से मुल्तान तक 1 स्टॉप या 2 स्टॉप करते हैं, एक रात के खाने के लिए या इशा के लिए, और दूसरा फजर की नमाज़ के लिए। और फैसल मूवर्स वाले तकरीबन 3 से 4 स्टॉप करते हैं, एक हैदराबाद में, दूसरा मोरो में, तीसरा इकबालाबाद में, और फजर की नमाज़ का कोई स्टॉप करता है, कोई नहीं करता। बसें फैसल मूवर्स वालों के पास भी अच्छी न्यू हैं, और राजपूत वालों के तो आपने देख ली न्यू नोवा यूट होंगे, और आदिल शाह वालों के पास भी मुल्तान टाइम पर अच्छी बसेज़ हैं 8 बजे वाले टाइम पर, जो कि बरास्ता मोटरवे जाता है हाईगढ़ वाली क्लास है, और 7 बजे वाले टाइम पर जो कि बरास्ता मुजफ़्फ़रगढ़ अलीपुर जाता है यूट ऑन डबल क्लास है। और इसके अलावा अलमक्का प्रेजिडेंट डाइवो भी चलती है, उनका जो 6 बजे वाला टाइम है वो मोटरवे टाइम है, एक बार मैंने उसमें ट्रेवल किया था, और बाकी टाइमों का मुझे पता नहीं है। एक दफ़ा हमारे जानने वाले ने ट्रेवल किया तो उन्होंने बताया कि वो पूरा मुल्तान तक मोटरवे से नहीं गई थी, रास्ते में मोटरवे से उतर गई थी और बहावलपुर अहमदपुर शर्किया से होते हुए जीटी रोड से मुल्तान गई थी। इनके अलावा कायनात ट्रेवल भी कराची से मुल्तान के पैसेंजर्स लेके जाती है, उनके जो टाइम रावलपिंडी जाता है वो मुल्तान अड्डे तक जाता है, वहाँ पर पैसेंजर्स ड्रॉप करता है। और इसी तरह वड़ाइच एक्सप्रेस वाले भी मुल्तान के पैसेंजर्स लेके जाते हैं। अच्छा, आपको ये भी बताता चलूँ कि आपने पार्ट वन में देखा होगा कि इसका बोर्ड कराची से लाहौर मुल्तान लाहौर गुजरांवाला का लगा हुआ था, बट जब मैंने वापसी का ट्रेवल किया वो भी मुल्तान से मैंने किया था, तो उस टाइम मैंने देखा कि जनरल बस स्टैंड में आदिल शाह के अड्डे के सामने इनकी यही गाड़ी लगी हुई थी कराची के लिए, और उसकी सफाई वफाई चल रही थी, और उसके अंदर कोई पैसेंजर वसेंजर नहीं थे। तो इससे मुझे आइडिया हुआ कि एक गाड़ी मुल्तान पहुँच कर रुक जाती है, और आगे फिर लाहौर या गुजरांवाला के पैसेंजर्स को दूसरी गाड़ी में बिठाते हैं अपनी राजपूत ट्रेवल्स की। तो ये गाड़ी कराची से मुल्तान तक जाती है, आगे नहीं जाती। हाँ, अलबत्त ये अपनी कंपनी की दूसरी गाड़ी में पैसेंजर्स को जिन्होंने लाहौर या गुजरांवाला जाना होता है उनको बिठा देते हैं। तो ये बात आप ट्रेवल करते हो अपने माइंड में रखिएगा, हो सकता है इसके बरखिलाफ़ हो, लेकिन मेरा जो मुशाहदा था वो यही था। ये सब वो बातें हैं जिनका मैंने मुशाहदा किया, जिनको मैंने देखा। मुमकिन है कि इसके अंदर मैं गलत हूँ, या आप ट्रेवल करें और इसके अंदर आपको कोई चीज़ एक्स्ट्रा मिले या कोई चीज़ कम मिले, तो इस बात को आप माइंड में रख कर ट्रेवल करें। हमारे सामने अलफरीद की डाइवो जा रही है, और ये कराची से खानपुर का टाइम है।
अभी आप लेफ्ट साइड पे देखें तो ये आदिल शाह की रेड कलर की गाड़ी जा रही है। ये 7 बजे वाला टाइम है कराची से मुल्तान बरास्ता मुजफ्फरगढ़ अलीपुर, बट ये फिक्स 7 बजे नहीं निकलता, 8-10 मिनट ऊपर हो ही जाते हैं। कभी कभार फिक्स 7 बजे भी निकल जाता है और इसको अलासिफ तक पहुँचते पहुँचते 10 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि आपको मैं काफ़ी दफ़ा दिखा चुका हूँ कि सोराब रोड पर भी अक्सर ट्रैफिक जाम होता है और अलासिफ के पास जो चौराहा चौरंगी बनी है वहाँ पर तो शाम में आपको ट्रैफिक जाम लाजमन मिलेगा। ऐसा कोई दिन आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो वर्किंग डे हो या वर्किंग डे ना हो, वहाँ पर ट्रैफिक जाम ज़रूर होता है। तो ये तकरीबन मेरे ख्याल से 7:15 बजे ही अलासिफ पहुँचा होगा। हमारे इसके दरमियान आधे घंटे का गैप था, फिर आपने जाम शुरू टूल प्लाज़ा देखा, वहाँ पर भी टाइम लगा होगा क्योंकि वो भी ब्लॉक था, जाम था। और इसके बाद इन्होंने 15 मिनट तकरीबन अयूब होटल पे जाया कि अच्छा मैं आपको बता दूं कि फैसल मूवर्स भी हैदराबाद में अयूब होटल पे स्टॉप करती है, लेकिन उनका अपना टर्मिनल है और राजपूत वालों ने स्टॉप किया किसी टर्मिनल पर नहीं, बस ऐसी रोड के ऊपर स्टॉप किया और पैसेंजर्स के लिए स्टॉप किया। और इनका मेरे ख्याल में कोई अड्डा वगैरह हैदराबाद में नहीं है, टर्मिनल वगैरह भी नहीं है। इस टाइम हम हाला पहुंचने वाले हैं, 10:04 हो रहे हैं और ये सामने हाला पर एक लोकल स्टॉप है। यहाँ पर इसको अड्डे वाले ने इशारा किया तो ये रुक गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये सामने शहज़ादा वाला जा रहा है, इसके पीछे ये भी सामने जाकर रुकेगा। तो यहाँ पर जब रुका तो फिर कुछ पैसेंजर बैठे थे जो ये देखिए इसने स्टॉप किया, अड्डे वाले ने इसको हाथ दिया था, तो कुछ पैसेंजर बैठे थे जो ये समझ कर आए थे कि जिस तरह राजपूत वालों की सर्विस पंजाब में है, यानी कुछ बेहतर है वहाँ पर, फैसल मूवर्स के समझे मुकाबले में चलती है, अगरचे उनकी गाड़ियों में कुछ कमी है लेकिन फिर भी अच्छी सर्विस है। तो उन्होंने ये समझा कि शायद कराची रूट पर भी इसी तरह की सर्विस होगी, तो वो इसमें आ गए। तो अब उन्होंने कहा कि भाई चलें फैसल मूवर्स वाले 200-300 एक्स्ट्रा लेते हैं, लेकिन सर्विस उनकी अच्छी है, स्टॉप टू स्टॉप रुकते हैं और आप तो हर जगह रुक के लोकल पैसेंजर उठा रहे हैं, आपने तो लोकल गाड़ी इसको बना ली है। तो फिर इसके ऊपर ड्राइवर और स्टाफ ने तो कुछ नहीं कहा, क्या कहते हैं। बहरहाल मेरा भी यही ख्याल था और जो मैं चाह रहा था कि इनकी सर्विस जैसी होगी वैसी मुझे नहीं मिली। मैं भी यही समझ के इसके अंदर गया था कि इनकी सर्विस फैसल मूवर्स के स्टैंडर्ड की ना हो तो उसके करीब करीब होगी, लेकिन इन्होंने लोकल रोकना शुरू कर दिया, लोकल सवारियाँ उठानी शुरू कर दी। इस टाइम 10:26 हैं, हम न्यू सैदाबाद पहुँच चुके हैं और न्यू सैदाबाद पर इन्होंने होटल पे स्टाफ किया और होटल के ऊपर क्या कहानी हुई वो फिर मैं आपको होटल से निकलने के बाद सुनाऊँगा।
उसमें स्टाफ उसका करता है, उसकी टिकट ली थी उन्होंने, ये दे दी राजपूत साहब। 10:28 पर हमने स्टॉप किया था और 10:56 पर निकल पड़े हैं। जहाँ पर हमने स्टॉप किया ये एक लोकल होटल था, और जब पैसेंजर्स वापस गाड़ी में आकर बैठने लगे तो एक पैसेंजर जो कि हमारे करीब पीछे सीट पर बैठा था, उन्होंने कहा कि भाई ड्राइवर ने कमीशन लिया है, मतलब पैसेंजर्स को घटिया चीज़ें महंगे दामों दी गई, तो उन्होंने कहा कि ड्राइवर ने कमीशन लिया है। ड्राइवर कहने लगा अगर मैं सुपर जमाली पर होता तो आप लोगों का 800,000 रुपये का बिल बन जाता, और फिर भी आप लोग कहते। मैंने कहा शायद ये ड्राइवर जो है ना अनजान है, या नहीं सुपर जमाली तो मेरे ख्याल में इस रोड के ऊपर कोई अच्छा होटल मेरी नज़र में नहीं है, सुपर मदीना हो सकता है। ठीक है वो महंगे है कुछ, मिसाल आपको अच्छा खाना मिलेगा तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा लगेंगे, लेकिन खाना अच्छा होगा और खाने के काबिल होगा। दूसरे होटल पर अगर आप चाय 40 रुपये की पीते हैं तो वहाँ 60 रुपये की मिलती है, लेकिन उसकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है और मेयार भी उसका अच्छा होता है। अच्छा सामने आदिल शाह का लेयर टाइम जा रहा है, इस टाइम हम सकरन के करीब पहुँच रहे हैं, तो शायद इसने भी इशा की नमाज और खाने के लिए स्टॉप किया और अभी ये हमसे दोबारा आगे निकला है। मैं उसकी वीडियो नहीं बना सका, मिस हो गया मुझसे। तो होटल के मामले में भी राजपूत वालों ने कोई अच्छा काम नहीं किया। मेरे ख्याल में जिसने एक बार ट्रेवल कर लिया इस पर दोबारा वो उसके ऊपर नहीं बैठेगा अगर ये अपनी सर्विस इसी तरह रखेंगे। अलबत्ता अगर सर्विस में बेहतरी लाएंगे तो मुमकिन है कि लोग आएँ, लेकिन अगर इस तरह की सर्विस दी तो फैसल मूवर्स के पैसेंजर्स इस तरफ नहीं आएँगे। अच्छा आपको एक और बात ही बता दूं कि जब हम कराची से निकले तो स्टाफ ने पानी के लिए डिस्पोजेबल गिलास दिए, तो ऐसा हुआ कि किसी जंप झटके की वजह से मेरा डिस्पोजेबल गिलास गिर गया, तो मैंने स्टाफ से कहा कि भाई वो गिलास गिर गया, आप मुझे दूसरा गिलास दे दीजिए। तो कहने लगा कि ये आखिरी बार दे रहा हूँ, उसके बाद फिर नहीं मिलेगा। मैंने उसको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल में कहा कि अगर इस तरह का तुम्हारा जो है रवैया रहा तो सर्विस तो तुम्हारी कामयाब हो ही गई। आप नई नई सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको तो लोगों के साथ ज़्यादा खुश अखलाकी के साथ पेश आना चाहिए। आप ऐसा करेंगे तो कौन आएगा आपके पास। न्यू सैदाबाद से हम खाना खा कर निकले तो उसके बाद ड्राइवर चेंज हो चुके हैं, अब दूसरा ड्राइवर बैठा हुआ है। इससे पहले जो ड्राइवर था उसने यूनिफॉर्म पहनी थी, और अभी जो ड्राइवर है ये सादा कपड़ों के अंदर है। हमारे दोस्त काशिफ खान, शहजाद अहमद और मोहम्मद फराज ने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में हमारा नाम लीजिएगा। मोहम्मद शहजाद ने कहा था लास्ट वीडियो में लीजिएगा, बट इस वीडियो में मौका मिल गया तो मैंने इसमें उनका नाम ले लिया, शहजाद अहमद, मोहम्मद फराज एंड काशिफ खान।
12:07 हो रहे हैं, मोरो टोल प्लाज़ा पर पहुंच चुके हैं। आदिल शाह लिया टाइम कुछ देर तो हमारे आगे चलता रहा, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो गायब हो गया। पता नहीं अब कहाँ है, यहाँ टोल प्लाज़ा पर भी हमें नज़र नहीं आ रहा। मोरो टोल प्लाज़ा से 2-3 किलोमीटर आगे आकर रीफिलिंग के लिए हमने स्टॉप किया 12:10 पर। ये वही होटल है जहाँ पर पाकिस्तान एक्सप्रेस वाले स्टॉप करते हैं। यहाँ पर इन्होंने 100 लीटर डीजल डलवाया जिसके अंदर उन्हें 5 मिनट लगे, और यहाँ पर पैसेंजर्स को उतरने नहीं दिया। मैं नीचे उतरा तो मुझे कहा कि यहाँ पर स्टॉप नहीं है, आप नीचे मत उतरें। तो मैंने कहा कि मैं कहीं नहीं जा रहा, यहीं सामने ही खड़ा हूँ। तो फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा, खामोश हो गए।
इस टाइम हम कंजारों और खालानी के बीच में ट्रेवल कर रहे हैं। 29 मिनट की वीडियो हो चुकी है और मैंने पूरी कोशिश की है इस वीडियो के अंदर कि आपको पूरी तरह इन्फॉर्मेशन दे दूँ, जो मैंने ट्रेवल किया, जो मैंने देखा, जो मैंने फ़ील किया, वो सब कुछ आपको बताऊँ। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और अपना ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। यार जिंदा सोहबत बाकी। अल्लाह हाफिज़।